हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और खुदा का शुक्र मैं भी ठीक हूँ। और आप लोगों को मेरा बहुत बहुत सलाम। और आज मैं आप लोगों के लिए लच्छा पकौड़ा लेके आई हूँ। और ये देख सकते हैं, ये मैंने दो गिलास बेसन के लिए हैं। और साथ में ये मसाले जाएंगे, ये साबुत धनिया जाएगा, नमक एक चम्मच है, और एक चम्मच मैंने लाल मिर्च, ये थोड़ा सा मैंने सोडा लिया, मीठा सोडा। और ये प्याज है, तीन बड़े प्याज मैंने लिए हैं। और ये हरी मिर्चें और धनिया, ये सारे इसमें चीज़ें जाएंगी। और ये लच्छा पकौड़ा बना रही हूँ, आप देख सकते हैं, इसको मैंने कद्दूकस किया था। ये आलू को आप देख सकते हैं, और ये देखें, इसको भी मैं ऐसे कद्दूकस करूँगी। और आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है, इसलिए मैंने वो कर लिया हुआ है। देखिए, इसमें मैंने कद्दूकस कर ली हूँ, ये देख सकते हैं आप। ये लच्छा पकौड़ा बना रही हैं, ये ब्रिक ब्रिक मैंने कद्दूकस किए हैं। इसमें जाएंगे, बेसन में जाएंगे, ये सारे आलू हैं, ये आलू को मैंने कद्दूकस किया था। और ये प्याज भी जा रहे हैं, इसमें सारे प्याज डालने हैं। और आज मौसम बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है। और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं पकौड़े वगैरह बनाऊं, साथ में चाय बनाऊंगी। और आपको पता है, ठंडे मौसम में तो बहुत ही अच्छी लगती हैं ये चीज़ें। और धनिया, हरी मिर्चें भी इसमें जा रही हैं। और साथ में ये देखे, साबुत धनिया, नमक, और ये सोडा मैंने थोड़ा सा सोडा लिया, एक चुटकी सोडे के लिए मैंने ये सारी चीज़ें जाए। अब मैं इसको मिक्स करूँगी, इसको मैंने मिक्स कर दिया है। और 5 मिनट इसको रखूँगी और ऑयल गर्म होने तक। जब ऑयल गर्म होगा तो फिर पकौड़े जब तैयार करूँगी। और आप लोगों ने भी ज़रूर ट्राई करनी है, बड़े मज़े के लगते हैं। और चाय के साथ खा सकते, केचप के साथ किसी भी, या चटनी वगैरह के साथ खा सकते, पुदीने की चटनी के साथ, दही वगैरह बना के। तो आज मौसम भी बहुत अच्छा है और बहुत ज़बरदस्त लगेंगे, और आपने ज़रूर ट्राई करनी है। बच्चों के लिए चिप्स भी बना रही हूँ साथ में, और बच्चों की फरमाइश थी कि हमने चिप्स खानी है, इसलिए बच्चों के लिए मैं चिप्स बना रही हूँ। और ये देखिए, ये चिप्स बच्चों की है, और साथ में इसमें बेसन भी डाल रही हूँ, बेसन वाली बना रही हूँ। और साथ में चाट मसाला जाएगा, ये देखें, ये वाला चाट मसाला मैंने डाल दिया है, ये देखें। और इसको मिक्स करती हूँ, इसमें लाल मिर्चें भी एक चम्मच डालनी है। और बहुत ज़बरदस्त बनेगी ये, आगे भी बच्चों को मैंने ये रेसिपी दी, बना के दी हुई है, तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है। तैयार करने लगी हूँ, आप लोगों ने ज़रूर देखना इसे, और पूरी वीडियो देखा करें। आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी, आप मुझे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर किया करें। मैं छोटी सी यूट्यूबर हूँ, और आप लोगों ने छोटे छोटे यूट्यूबरों को जब देखते हैं, तो आप लोगों की मेहनत होती है हमें आगे बढ़ाने की, तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप ज़रूर छोटे यूट्यूबर को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर किया करें। ऑयल मैंने ऊपर रखा हुआ था, और इसमें अब मैं डालने लगी हूँ चिप्स वगैरह। तो बच्चों ने कहा है पहले हमें भी तैयार कर दे चिप्स वगैरह, इसलिए मैं बच्चों की पहले चिप्स तैयार करी, बाद में इसके बाद मैं पकौड़े तैयार करूँगी। और देखिए, चिप्स मैंने ऑयल वगैरह गर्म हो चुका है, उसमें मैंने डाल दी है। जब तैयार होगी आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और आप लोगों ने ये वीडियो मिस नहीं करनी, ज़रूर देखनी है। तो ये देखें, ब्राउन होंगे तो इसको मैं उतारूंगी, उतनी देर तक ये ब्राउन होने तक ये पक भी जाएंगे साथ में। देखिए, चिप्स तैयार हो चुकी है, बच्चे वगैरह साथ साथ में खा रहे हैं, और चिप्स को मैंने तैयार कर लिया है। जब सारी चिप्स तैयार हो जाएगी, उसके बाद मैं पकौड़े तैयार करूंगी। पकौड़े जब तैयार करूँगी तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी, और आपने ज़रूर देखनी है। और आज का मौसम बहुत ज़बरदस्त है, आपने मिस नहीं करना। ये देखें, अब मैंने इसमें पकौड़े डाल दिए, चिप्स बन चुकी है, और पकौड़े अब बना रही हूँ, इसमें डाल चुकी है। जब तैयार होती है आपको दिखाती हूँ। ये देखें, पकौड़े भी तैयार हो चुके हैं, और साथ में मैंने चाय बनाई है, साथ में चटनी है और चिप्स है, मैं खाने लगी अब चाय के साथ। आप लोगों ने वीडियो ज़रूर देखनी है, और आप भी ट्राई करना पकौड़े बनाने में, और साथ में चिप्स वगैरह, क्योंकि आज मौसम बहुत ज़बरदस्त है, और बहुत मज़ा आएगा ये खाने में। बच्चों ने खा चुके हैं बच्चे, अब मैं खाने लगी हूँ। और लाइट, बच्चे वगैरह हंस रहे हैं क्योंकि मैं अंधेरे में वीडियो बना रही थी, लाइट गई थी, अब लाइट आ चुकी है, और अब हम खाने लगे हैं। तो आप लोगों ने मुझे लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करना है। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती, ओके, खुदा हाफिज़, बाय बाय।